हे एवरीवन, वेलकम टू द गार्डनिंग जोन अगेन। कैसे आप सब लोग? तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सलेन प्लांट के बारे में। ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसी प्लांट का नाम है पर्सनल प्लांट, और आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो क्या इसकी केयर होती है, कैसी इसको सोइल चाहिए और लोकेशन क्या होती है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि प्लांट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को आगे भी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को इस प्लांट की केयर कैसे करनी है वो सब कुछ समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और गर्मियों में इसके फूल आते हैं, और अभी भी गर्मियाँ ही चल रही है वैसे, और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अभी भी फूल निकले हुए हैं बहुत सारे। देखिए बहुत ही सुंदर फूल होते हैं इसके, एकदम से रेड कलर के फूल होते हैं, और बीच में हल्का हल्का वेरिएशन भी देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है येलो कलर का, ठीक है। तो इसकी लीव्स अगर हम लोग देखें तो थोड़ी मोटी मोटी सी होती है और सैकुलेंट टाइप में हम लोगों को लगती है, और होती भी है ये। इस प्लांट को आप लोग मल्टीपल टाइप से लगा सकते हो, आप लोग पॉट में लगा सकते हो, या फिर मेरी तरह इस तरह से देखिए आप लोग हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो। और ओनली एक साइड में मैंने इसको लगाया हुआ है, और उसके बावजूद ये इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग। अगर हम लोग बात करें इसके लोकेशन की, तो इसको धूप चाहिए, सन लविंग प्लांट है, ऑलमोस्ट हाफ डे सन इस प्लांट को चाहिए तभी अच्छे से ग्रो करेगा, और इसकी फ्लोरिंग के लिए भी इसको जो है धूप चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे अच्छी धूप आती हो, घर में ऑलमोस्ट हाफ डे का सन इसको चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। और अगर हम लोग वाटरिंग की बात करें तो इसके अंदर रेगुलर वाटरिंग चाहिए, ज़्यादा भी पानी मत दीजिए आप लोग कि इसके अंदर पानी खड़ा रहे, और जिसके कारण क्या होता है कि इसकी जो स्टेम्स होती है वो जलना शुरू हो जाती है। तो आप लोग इसकी मिट्टी को जो है सिर्फ मॉइस्ट रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अच्छे से आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। अब अगर हम लोग बात करें कि इसको सॉइल किस टाइप की चाहिए, तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, इसलिए आप लोग अपनी सॉइल के अंदर सेंड को भी मिक्स कीजिए साथ में, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो सके इसका, और रूट्स अच्छी तरह से ग्रो करे। रूट्स जितना अच्छे से ग्रो करेगी आपका प्लांट उतना अच्छे से ग्रो करेगा, और इसकी जो रूट्स होती है वो उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, थोड़ी उथली जड़ होती है, तो इतना ज़्यादा बड़ा पॉट भी आप लोगों को नहीं चाहिए, छोटे पॉट में भी बहुत ही ज़्यादा इजीली लग जाता है। इफ़ हम ऑनेस्टली टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्लांट इज देन इट्स ऑल्सो सिमिलर लाइक पोर्चुला का मॉस रोज। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर मैन्योर क्या देना चाहिए, तो आप लोग इसके अंदर खाद को मिलाइए, आप लोग बेस्ट रहेगा इसमें कि वर्मी कंपोस्ट आप लोग यूज़ करें सोइल के साथ में। जब भी आप लोग सोइल मिक्सर रेडी करें तो उसी के साथ में जो है आप लोग जो है मैन्योर को मिक्स कीजिए, तो क्या है प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा। प्लांट को जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है उसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है, प्लांट्स सीधे लग जाते हैं डायरेक्ट सॉइल में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो ग्रोथ आप लोगों को चाहिए, जो आप लोग देखते हो वीडियोस वगैरह में, तो वैसी ग्रोथ के लिए आप लोगों को इनके अंदर अच्छी मैन्योर भी देनी होती है, तभी जाके ये अच्छा ग्रो करेंगे। जितना अच्छा इनको न्यूट्रिशन मिलेगा उतने ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, ज़्यादा भी ओवर फर्टिलाइजेशन भी जो है प्लांट के लिए हानिकारक होता है, इसलिए आप लोग कम से कम इनके अंदर मैन्योर तो डालिए ही डालिए। अब आते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, वो है कि इसका प्रोपगेशन कैसे करें हम लोग। तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप लोग ईजिली इसको कटिंग से लगा सकते हैं। ये वाला प्लांट जो है आप लोग इसकी कटिंग लीजिए, जैसे कि मॉस रोज की आप लोग कटिंग लेते हैं उसी टाइप से इसकी कटिंग लीजिए, और डायरेक्टली आप लोग लगा दीजिए सोइल के अंदर, ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा, आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। तो उतना कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं इसकी प्रोपगेशन करना, और आप लोग देखिए कि अभी भी इसकी नई ब्रांचेज निकल रही है और अच्छे से ग्रो कर रही है। जब ये ग्रो कर रही होती है, जिस टाइम इसमें फ्लोरिंग नहीं होती है, तो आप लोग इसके जो ऊपर की टिप्स होती है उनको पिंच करते रहिए, उससे क्या होगा कि आपका प्लांट और ज़्यादा घना होगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी, नई ब्रांचेस निकलेगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके प्लांट के लिए। पर जब फ्लोरिंग हो रही हो उस टाइम आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फिर बर्ड्स को बनने में टाइम लगेगा और आपका प्लांट जो है फ्लोरिंग नहीं कर पाएगा अच्छे से। जब इस प्लांट के किसी भी स्टेम का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उस टाइम जो है फिर ये सूखने लग जाती है। इस तरह से आप लोग देखिए, ये जो है ये देखिए आप लोग, ये देखिए, तो इस तरह से सूखने लग जाती है।
अगर आप लोग देखिए अच्छे से तो इधर भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सूखने लग जाती है, पर बाकी जो है ग्रोथ अच्छी होती है, नई ब्रांचेज निकलती रहती है और इनकी जो ब्रांचेज होती है उनमें भी जो है वाटर स्टोर रहता है। और ब्रांचेज का कलर भी आप लोग देखिए एकदम अलग सा ही है, थोड़ा पिंक कलर में लगता है ये, तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एकदम से। देखिए आप लोग, ये पिंक कलर का है और इनकी लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है और इसके फ्लावर्स का कलर जो है वो रेड हो जाता है और बीच में येलो कलर का वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल ये वाला प्लांट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मोस्टली अगर आप लोग हैंगिंग बास्केट में इसमें इसको लगाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्लांट अपने घर में ज़रूर ज़रूर लगाना चाहिए। और एक हार्डी प्लांट जो होते हैं उन्हीं में से एक ये वाला प्लांट है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती है और आप लोग अच्छे से अपने एक घर के कॉर्नर को जो है रेडी कर सकते हैं, एक एरिया को कवर कर सकते हैं प्लांट्स से। तो इस प्लांट को आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं। तो यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस प्लांट के बारे में। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से आप लोगों को इस प्लांट की केयर करनी है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग प्लांट्स लगाते रहें और हैप्पी ग्रीनरी।